मैं MBBS करने के तुरंत बाद दो ही महीने के बाद इंटर्नशिप के बाद मैं इंग्लैंड चला गया था। आई थिंक आप लोगों में से बहुत कम होंगे जो उस समय शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे। 1976 की बात है और 24 जुलाई 1976 को मैं लंदन पहुंचा था। ऐसा हुआ था कि जाने के दो दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मेरे फादर इन लॉ मुझे दिल्ली पहुंचाने गए थे तो बुखार की हालत में ही मैं पहुंचा था। 102 डिग्री फीवर था और सारी की सारी नई चीजें देख रहा था। जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मैं देखता हूँ सबसे पहले जो चीज मैंने देखी कि 6ठे 7वें महल पर गाड़ी खड़ी थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये गाड़ी 6ठे 7वें महल पर पहुंची कैसे, क्योंकि कभी हमने इंडिया में ऐसी कुछ चीज देखी ही नहीं थी कि फर्स्ट फ्लोर पर भी कोई गाड़ी रहता हो, यहाँ तो 7वें महल पर है। बड़ी मुश्किल तो समझ में नहीं आ रहा। खैर बस से मैं पहुंचा लंदन में, एक स्टेशन है विक्टोरिया जहाँ से सारे शहरों की ट्रेनें जाती हैं। आप लोगों में से बहुतों को मालूम होगा या नहीं, अंडरग्राउंड स्टेशन सबसे पहले इंग्लैंड में ही बना है पूरे संसार में। और 1917-18 में पहला अंडरग्राउंड लंदन में बना था। तो मुझे वहां से कहीं जाना था और मुझे पता नहीं चल रहा था, हिंदुस्तानी बहुत कम थे उस समय, हिंदुस्तानी लोग वहाँ पर प्रोग्रेस उतना अच्छा से नहीं कर रहे थे। तो मुझे कोई भी हिंदुस्तानी चेहरा धोखे से नजर आता था तो लगता था तो मेरा भाई है, मैं इससे कैसे बात करूँ। लेकिन सब वहाँ अंग्रेजी में बात करते थे। बड़ी मुश्किल से कभी मैं अंडरग्राउंड में नीचे जाता था, कभी ऊपर आता था, जगह का पता नहीं मिलता था। करते करते मैं वो स्टेशन ह्यूस्टन पहुंचा जहां से मुझे ट्रेन लेके मैनचेस्टर जाना था। मेरे पास पैसे बहुत कम थे, सरकार उस समय मैक्सिमम $108 देती थी अगर आप विदेश जा रहे हैं तो, जिसको मैंने कन्वर्ट कराया तो £53 मुझे मिले। तो मुझे उतना ही पैसा था, मुझे लगता था कि मैं इसको जितना बचा से बचा के रखूं। और डॉक्टरों को वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए £40 उस समय एक इंश्योरेंस लेना पड़ता था। तो मैंने अपने वो £40 बचा के रखे और उसके बाद £13 बचे। मैंने ट्रेन का टिकट कटाया मैनचेस्टर का तो £9 चले गए, £4 बचे हुए थे। मेरी ये लगता है कैसे चलेगा, कैसे मैं इससे जाऊंगा इसलिए। तो मुझे बार बार घर की याद आती थी और ट्रेन में जब मैं बैठा तो मुझे लगा कि मैं कहाँ आके फंस गया, मुझे लौट जाना चाहिए। दो तीन अंग्रेज औरतें थी ट्रेन में तो उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट इज द मैटर, व्हाई यू आर सो सैड। आई हैव कम फ्रॉम इंडिया एंड आई डोंट नो एनीथिंग। उसके पहले की स्थिति दो और थी कि मुझे बुखार था 102 डिग्री। उस समय में इंग्लैंड में पानी नहीं मिलता था, आप कहीं भी पानी का कल नहीं खोज सकते थे, पानी बोतल में नहीं मिलता था। तो जब मैं एक दुकान में गया और कहा कि कैन आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास पानी मिलेगी,
तो वो मेरी तरफ ऐसे देखा कि ये संसार का मूर्ख आदमी है, पानी मांग रहा है। तो बियर और लागर से मुझे बात नहीं होती थी। तो उसने कहा कि डोंट सर्व वाटर, हम लोग पानी नहीं देते। हमने कहा क्या करें, प्यास लगी हुई है। तो मैंने कहा कि कैन आई हैव सम मिल्क प्लीज। तो इतने से छोटे से ग्लास में उसमें 10 पेंस में, 10 पेंस जो आज करीब 9-10 रुपये का उस समय में हुआ, इतना सा मिल्क दिया उसने। मैं जाने के पहले अपनी वाइफ को मैंने वर्ड दिया था कि मैं ड्रिंक कभी नहीं पीऊंगा, तो मुझे वो नहीं खाना था। और मैंने अपने पिताजी को वर्ड दिया था कि मैं वहां की बीफ या ऐसी कोई चीज कभी नहीं खाऊंगा, तो उसको भी निभाना था। तो खाने पीने में बड़ी दिक्कत होती थी, कोई चीज मिलती नहीं थी उस समय। ये 36 साल पहले की बात है, अब तो सब कुछ मिलता है। करते करते मैं पहुंचा मैनचेस्टर, बहुत यहाँ की याद आती थी, मैं कहाँ आके फंस गया हूँ, कैसे लौट चलूँ। और शायद मेरे पास 150 पाउंड रहता, जितने के एक तरफ का उसने टिकट होता था, तो मैं भाग भी आता। लेकिन पहुंचा मैंने लीड के भेजा, मेरे फादर इन लॉ है, इन्होंने इनकरेज किया। मेरे पिताजी जो नहीं रहे उन्होंने कहा। थोड़े दिन में धीरे 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 मैं यूज होने लगा वहां के सिस्टम से। सबसे जो पहली चीज मैंने देखी कि समय की पाबंदी, कि 9 बजे अगर ड्यूटी है तो 9 बजे के 5 मिनट पहले हम हॉस्पिटल पहुंच जाया करते थे। वही हम यहाँ PMCH में थे, ऐसी पाबंदी नहीं थी। साफ सुथरी तो थी ही, पॉल्यूशन नहीं था। ये सब चीज धीरे धीरे अच्छी लगने लगी। उसके बाद 1 महीना हम लोगों को एसेस किया जाता था, मतलब बड़े सीनियर डॉक्टर लोग हम लोगों को देखते थे कि ये कितना जानता है। तो उसके बाद वो आपको रेफरेंस देते थे और उस रेफरेंस पर आप जॉब के लिए, नौकरी के लिए अप्लाई कीजिए। कहीं कोई पैरडी करने की जरूरत नहीं। अंग्रेज हमारे और स्कॉटलैंड के एक कंसल्टेंट थे, वो लोग हमारे रेफरी बने। तो हमने अप्लाई किया जॉब के लिए और उस रेफरेंस पर मुझे जॉब मिल गया। तो ये बात हमने सबसे पहले देखी कि आपको किसी के पास जाके पैरवी करने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, ना आपके पिताजी को, ना ससुर को, ना आपको, ना किसी को घुस देने की जरूरत नहीं है। सब काम अपने से होता चला गया। करते करते थोड़े सालों के बाद, मैं 2 साल के बाद ही मैं मैनचेस्टर से लंदन आ गया। काम करते गया, करते गया, करते गया। 4 साल के बाद मैं आया था, जो पहली बार मुझे दिल्ली में मैंने देखा, तो पहली बार आ रहा था तो देखा कि भीड़ भाड़ यहाँ बहुत है। क्योंकि मैं तो कंपेयर कर रहा था वहां से, इंग्लैंड से। और आपको मैं बताऊं कि 1976 में इंग्लैंड की जितनी आबादी थी उससे हार्डली आज थोड़ी सी ज्यादा हुई है। वो भी उम्रों के कारण नहीं हुई, जो बाहर से लोग गए हैं और पर्टिकुलरली मुस्लिम समुदाय के कारण वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ी है। जब मैं पहुंचा था तो 5.5 करोड़ की आबादी थी, आज 36 साल के बाद भी वहाँ 6 करोड़ की आबादी। और उतने दिनों में हमारी आबादी
ढाई गुना से ज्यादा तीन गुना पहुंच गए। अब एक ऑस्ट्रिया रोज पैदा कर रहे हैं हिंदुस्तान। ये स्थिति समझने की है कि अगर इस तरह से होता रहा तो क्या होगा। दूसरी बात जो समझने की है कि मोरालिटी हम लोग यहाँ डे बाई डे घट रही है, पर्टिकुलरली 91 से जब से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ हमारे यहाँ प्रोग्रेस बहुत है। हमारे यहाँ बच्चे जो पहले नहीं कभी स्कूल जाते थे आगे आ रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन करप्शन जो है यहाँ डे बाई डे बहुत बढ़ रहा है। लोगों को नौकरी में बिना पैदी के 90% लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। इसको कैसे ठीक किया जाए, चोरी कैसे कम की जाए, ये समझने होगा लोगों को जो लोग यहाँ पर देश को चला रहे हैं, चाहे हमको आपको भी। एक गुरुदेव जी का दो तीन लाइन है कि हम बदलेंगे युग बदलेंगे।